आप सबको जय मसीह की आज शाम की प्रार्थना में स्वागत करते हैं, तो प्रार्थना को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। धन्यवाद मेरे सामर्थी खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी मैं आपका सच्चे हृदय से सच्चे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे इस समय संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर, मुझे बचा के रखा है पिता परमेश्वर, हर एक जन को हर एक परेशानी से हर एक मुसीबत से बचा के रखा है, संभाल के रखा, उसके लिए मैं आपका सच्चे दिल से सच्चे हृदय से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तो सेनाओं का यहोवा है पिता परमेश्वर, तेरा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र है पिता परमेश्वर, और हम सब पापी है पिता परमेश्वर, तू पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बना पिता परमेश्वर, अपने जैसा बना पवित्र, और प्रभु जी तेरे पीछे सच्चे दिल से सच्चे हृदय से मैं चल सकूं पिता परमेश्वर, हर एक मसीह लोग आपके पीछे सच्चे हृदय से सच्चे दिल से वो चल सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में वो 100 गुना फलवंत ला सके पिता परमेश्वर, वचन से प्रभु जी वचन उनके जीवन में लागू होने पाए पिता परमेश्वर, और वचन से वो 100 गुना फलवंत लाभ सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो तूने कहा है कि जो फल लाता है नहीं लाता है उसे तो काट डालता है पिता परमेश्वर, तो हम सबके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे वचन में प्रतिदिन बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, तेरे वचन में रोज के रोज पिता परमेश्वर बढ़ते जाए, प्रतिदिन बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, और तेरे वचन के अनुसार हम लोग चले पिता परमेश्वर, और तेरे नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाए पिता परमेश्वर, उस शैतान के आगे तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान है पिता परमेश्वर, तेरे सामने शैतान भी थरथराता और कांपता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे अपराधों को हमारे पाप को क्षमा कर और हमें शुद्ध कर पिता परमेश्वर, हम सबके गंदे दिल को धुल के शुद्ध कर पिता परमेश्वर, हर एक मसीह के जो हर एक मसीह पाप में अभी भी है पिता परमेश्वर, जो पाप में अभी भी जूझ रहा है पिता परमेश्वर, तो आपका मैं लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर, उन पर आपका लहू लगाती हूँ, उनके पाप को आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर में धुलती हूँ पिता परमेश्वर, अपना लहू लगा के उनके पाप को अपराध को धुल और उन्हें शुद्ध कर पिता परमेश्वर, और आपके सच्चे हृदय से सच्चे दिल से वो आपके पीछे चले पिता परमेश्वर, और वो एक सच्चा परमेश्वर सच्चा खुदा वो पा सके जो तू है पिता परमेश्वर। दुनिया में नाम अनेक है लेकिन सच्चा परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर तू है, तू ही हमारा उद्धार करता है पिता परमेश्वर, तेरे सिवा कोई उद्धार करने वाला परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि तू ही उद्धार करने वाला परमेश्वर है, खुदा है पिता परमेश्वर। मैं आपका सच्चे दिल से सच्चे हृदय से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, कितने तो होंगे पिता परमेश्वर जो आज के शाम नहीं देख पाए होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन तू सच में महान है, जो हर एक मसीह को हर एक जन को पिता परमेश्वर तू बचा के रखा है, संभाल कर रखा, वो समय जीवित है पिता परमेश्वर, तेरी ही कृपया से वो जीवित है पिता परमेश्वर, तो इसलिए हमें जीवित रखता है ताकि हम सुधर सके और तेरा वचन के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर, तो नहीं चाहता है कि हम सब नर्क जाएं, तो हम सबको बचाना चाहता है पिता परमेश्वर, नर्क की झील में जाने से बचाना चाहता है, लेकिन वो शैतान पिता परमेश्वर पाप में हम सबको बार बार गिराता है, लेकिन संभालने वाला खुदा तो तू है, तू ही हमें संभालता है, हर एक पाप को हर एक गंदे भी पाप को तू धुलता है, क्षमा करता है, तो सच में प्रभु जी महान है, ऐसा कोई खुदा नहीं है जो हमारे पाप को क्षमा करे, तू ही एक परमेश्वर है, सच्चा खुदा तू ही है जो हमारे अपराधों को धुलता है, सिद्ध करता है, और अपने पीछे चलने में हमें हिम्मत और सामर्थ्य देता है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, मेरे सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, तेरा ऊंचा गढ़ है, तेरा पवित्र स्थान है पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र मंदिर में तेरा पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रभु जी हर एक गरीबी में है, तो उनके गरीबी को आपके समर्थित नाम से मैं दूर करती हूँ पिता परमेश्वर, उनके गरीबी आपके समर्थित नाम से वो दूर हो सके और तेरे नाम को जलाल दे सके पिता परमेश्वर। तू कहता है तू गरीबियों के घर आता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी तूने कहा है हम बल्कि मनुष्य से मांगने वाले नहीं बल्कि तुझसे मांगने वाले बने, क्योंकि तू ही हमें देता है पिता परमेश्वर, हम तुझसे कुछ मांगते हैं तो तू ही हमें देता है, तूने कहा है संदेह ना कर, अगर हम संदेह करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सच्चे सच्चे मन से सच्चे दिल से अगर हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हमें देगा, हम इंसान से नहीं बल्कि परमेश्वर से हम मांगे, क्योंकि वही हमें देता है, खुदा का ही दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, और हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते हैं, धन्यवाद के अलावा मैं प्रभु को कुछ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि सारा दिया हुआ उसका है,
तो हमें परमेश्वर को परमेश्वर को रोज को रोज धन्यवाद देते रहें, क्योंकि वो सच में महान है, वो दयालु है, कृपयालु है, वो भला है, सीधा है। इसीलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा, वो पापियों के पाप क्षमा करता है, उसे शुद्ध करता है और अपने पीछे वो चलने में हिम्मत और सामर्थ्य देता है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सेनाओं के यहोवा, तेरा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे मैं ट्यूमर से, कैंसर से और भी कई बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, जो जूझ रहे हैं बीमारियों से, तो उनको छू पिता परमेश्वर, उनको छू ले और उनकी हर एक बीमारियों को दूर कर सके। प्रभु जी आपके समर्थित नाम से उनका हर एक रोग, हर एक बीमारी आपके समर्थित नाम से दूर हो सके और आपके नाम से यीशु मसीह आजाद हो सके, उनके हर एक रोग चंगी हो सके पिता परमेश्वर, वो आपके सामर्थ्य नाम से वो आजाद हो सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। तो सच में महान है पिता परमेश्वर, चाहे जितनी बड़ी परेशानी और चाहे जितना बड़ा रोग हो, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, तो उसे चंगा करता है, तुझे ठीक करता है। तो सच में महान है पिता परमेश्वर, तो दयालु है पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रभु जो हॉस्पिटल में है, जो मुसीबत में झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर, आपके जलाली नाम से खुदावन यीशु मसीह, वो हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से वो चंगे हो सके, हर एक बंधन से वो खुल सके, हर एक बीमारी से वो चंगे हो सके यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम से पिता परमेश्वर, उनके हर एक रोग चंगा हो सके पिता परमेश्वर, वो खड़े होके अपने पैरों पे खड़े होके तेरे नाम को जलाल दे सके पिता परमेश्वर। जो इस समय प्रभु जी रास्ते में आते हैं जाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें पूरी आत्मा से पिता परमेश्वर और इसके डेंट से पिता परमेश्वर, हर एक मुसीबत से उनकी रक्षा कर, उन्हें बचा पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू कहता है जहाँ हर एक मसीह जाता है तू तेरे स्वर्गदूत उनके साथ रहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, वचन में साफ साफ लिखा है पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तूने कहा है जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो तेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ खुदावन यीशु मसीह, हम अगर आपके पीछे चलते हैं तो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलते हैं, क्योंकि ज्योति देने वाला खुदा तू है, तू ही हमें अंधकार से ज्योति में ले आता है पिता परमेश्वर। तेरा वचन में लिखा है, वचन तेरा वचन मेरे पांव का दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन हम सबके मार्ग के लिए उजियाला है पिता परमेश्वर, उजियाला ज्योति देता है पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो हरे मसीह जो अभी भी प्रभु जी अभी भी रोग में, अभी भी परेशानी में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके समर्थित नाम से पिता परमेश्वर, आपके जलाली नाम से खुदावन यीशु मसीह, वो हर एक परेशानी से, हर एक रोग से वो प्रभु जी दूर हो सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। उस शैतान के आगे तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ पिता परमेश्वर। यीशु मसीह प्रभु जी तू सच में महान है, तू सेनाओं का यहोवा है पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। जितने मसीह अभी भी पाप कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके जलाली नाम से खुदावन यीशु मसीह उनके पाप को क्षमा कर, उन्हें शुद्ध कर, तेरा पवित्र लहू लगा के, अपना पवित्र लहू लगा के उनके पाप को शुद्ध कर, क्षमा कर और उन्हें प्रतिदिन अपने वचन में बढ़ा पिता परमेश्वर, और उन्हें हर एक शैतान के बंधन से छुड़ा पिता परमेश्वर। जो अभी भी मसीही लोग प्रभु जी बंधन में हैं, आपके सामर्थ्य नाम से खुदावन यीशु मसीह, आपके जलाली नाम से उनका बंधन खुल सके और तेरे सामर्थ्य नाम से वो आपके नाम से प्रभु जी वो आजाद हो सके। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपके सामर्थ्य नाम से वो हर एक बंधन से खुल सके और आपके सामर्थ्य नाम से वो आजाद हो सके, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया। मेरे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, जो इस समय रात को जो सोते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें गंदे सपने, गंदे ख्याल आते हैं प्रभु जी, उन्हें नींद नहीं आती है, तो प्रभु जी जो गंदे ख्याल, गंदे सपने आते हैं तो शैतान देता है पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम से उन गंदे सपनों को, गंदे चीजों को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से मैं डांटती हूँ, उस मनुष्य के जीवन से, उस मनुष्य की लाइफ से दूर हो सके, शैतान का हर एक परेशानी, शैतान की हर एक परेछाई हर एक मसीह के जीवन से दूर हो सके और वो मसीही एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर,
तो हमारे और हर इंसान के लिए पिता परमेश्वर, तूने शूली पे कुर्बान हुआ पिता परमेश्वर, हमारे और हर मनुष्य के लिए तूने अपना पवित्र लहू बहाया है खुदावन यीशु मसीह। आपका लहू बहाने से आपके कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हमारे अपराध को, हर एक जन के अपराध को क्षमा मिली है पिता परमेश्वर। अपना लहू बहा के हम सबको अपना मूल्य खरीदा है पिता परमेश्वर। तो सच में महान है, ऐसा कोई है नहीं जो हमारे लिए अपना लहू बहाए। तूने हमारे लिए लहू बहाया ताकि हम स्वर्ग जा सके पिता परमेश्वर। तू सच में महान है पिता परमेश्वर। फिर भी तू सूली पे चढ़ाया गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तू सच में महान है, ऐसा कोई नहीं है कि मुर्दों में से जी उठे, लेकिन तू सच में महान है। तू सच में प्रभु जी खुदावन यीशु मसीह है पिता परमेश्वर। तू सच में प्रभु जी तीसरे दिन जी उठा और हम सबको प्रभु जी बचाया है पिता परमेश्वर, हर एक शैतान के बंधन से, हर एक शैतान की हर एक परेशानी से प्रभु जी हम सबको दूर रखा है पिता परमेश्वर। जो रात को प्रभु जी नहीं सो पाते हैं तो प्रभु जी उन्हें अच्छी नींद दे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छी सोच दे पिता परमेश्वर। हर एक इंसान पिता परमेश्वर अपने मन में गंदा विचार ना करे पिता परमेश्वर, हर एक विचार तेरे ही वचन की करे पिता परमेश्वर, तेरे ही आशीषों की करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे तूने दूसरे से प्रेम किया उसी तरह हमें भी सिखा, ताकि हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। जैसे अपनों से प्रेम करते हैं वैसे दूसरों से भी प्रेम करें। तो सच में महान है पिता परमेश्वर। तो सेनाओं का यहोवा है, प्रभु तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। तेरे नाम को जलाल मिले पिता परमेश्वर। जितने हर मुसीबत से परेशानी से जूझते हैं पिता परमेश्वर, उनकी परेशानी दूर कर पिता परमेश्वर, उनकी हर एक दुख मुसीबत को दूर कर, और प्रभु जी तेरे नाम के पीछे चले पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चले पिता परमेश्वर। हर एक मसीह, हर एक लोग तेरे वचन के पीछे चले पिता परमेश्वर। प्रतिदिन तेरे वचन में वो पढ़ते जाए पिता परमेश्वर। हर एक मसीह की संगति पे तेरा आशीष का, तेरा दया का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर, और हर एक मसीह को आशीष दे पिता परमेश्वर। हर एक मसीहों को तेरे हाथों में सौंपते हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले छिपाती है पिता परमेश्वर, वैसे ही हर एक मसीह को तू अपनी आड़ में ले ले पिता परमेश्वर, ताकि शैतान की परछाई हम सब पर ना पड़े पिता परमेश्वर। तू हर एक मसीह को अपनी आड़ में ले ले पिता परमेश्वर, और हम सबको प्रभु जी छिपा हर एक शैतान के बंधन से, हर एक शैतान के बंधन से प्रभु जी हम सबको खोल दे पिता परमेश्वर, और हम सब आजाद हो सके और तेरे नाम को जलाल दे सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस समय मेरी दुआ को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। जो सुन रहे हैं समय प्रार्थना को पिता परमेश्वर, जो उनके प्रभु जी बीमारी है, रोग है पिता परमेश्वर, तो उनके आपके समर्थित नाम से पिता परमेश्वर उनके परेशानी रोग आपके जलाली नाम से, आपके समर्थित नाम से दूर हो सके, और आपके समर्थित नाम से आजाद हो सके पिता परमेश्वर, और हमेशा सच्चे दिल से आपके पीछे चल सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो इस समय दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बहुत आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और बहुत आशीष दे उन सबों को पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक मसीह को, हर एक लोग को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। संसार के रचने वाले खुदावन यीशु मसीह, तू सच में महान है, तू सेनाओं का यहोवा है, तेरा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो रह सकता है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे सेनाओं के यहोवा, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन।